नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड बायकॉट पर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया कि लगातार ये ट्रेंड चल रहा है, तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको बाद में बताएंगे विस्तार से, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सीधे तौर पर उन्होंने जनता को सबक सिखाने की बात कही है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि कीचड़ में हम हाथ डालें। अब जब उनका ये बयान आया, उसके बाद जनता और भी भड़क गई। दरअसल जनता का ये कहना है कि आप किसी को जबरदस्ती फिल्म दिखाने नहीं ले जा सकते। अगर आपका ये कहना है कि आपकी फिल्में कारोबार नहीं कर रही हैं, सबका पैसा लगता है, तो जनता का जो पैसा है वो भी मेहनत की कमाई से आता है। अगर वो नहीं चाहते तो वो फिल्म नहीं देखेंगे और किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरा बॉलीवुड जो है इस वक्त बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से उनकी फिल्में पिट रही हैं, इससे पहले जो बड़ी बड़ी बयानबाजी उनके तरफ से की जा रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि ये सब मायने नहीं रखते। लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि ये जो ट्रेंड चलाया जाता है, इसका असर होता है। चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, इससे प्रभावित होता ही होता है। अब इसके बाद अर्जुन कपूर ने इस पर बयान दिया, सीधे तौर पर धमकी दे दी। उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो यही लोग थे, ये कहते थे कि मत जाओ फिल्में देखने। दरअसल करीना कपूर का वो जो बयान है जो उन्होंने दिया था बरखा दत्त को इंटरव्यू में, वो लगातार बार बार सबके सामने आ जाता है। जैसे ही कोई बॉलीवुड नेपोटिज्म को लेकर या फिर बायकॉट को लेकर बातें करता है, सबसे पहले करीना कपूर खान का वो इंटरव्यू सामने आ जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मत जाइए हमारी फिल्में देखने। तो अब जनता ये बोल रही है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब बायकॉट शुरू हो जाता है तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। अब जनता को बाध्य तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन अर्जुन कपूर ने अगर ऐसा कोई बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो समझकर उन्होंने दिया होगा। उन्हें कुछ चीज़ें बुरी लग रही होंगी या फिर उनकी कोई फिल्में आ रही होंगी जिसके चलते उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अब जनता इस पर क्या कह रही है, ये एक एक करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से उनका विरोध शुरू हो गया है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके जो चाचा हैं अनिल कपूर, उनका जो बिजनेस है वो दाऊद से जुड़ा हुआ है, और दाऊद के साथ उनकी तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये भी वायरल हो रही है। लोग बता रहे हैं कि अगर अर्जुन कपूर धमकी दे रहे हैं, फिर तो आप होशियार हो जाइए और सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर उन्होंने सबक सिखाने की बात कही है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार बदल चुकी है और दाऊद या बड़े बड़े जो आतंकी थे वो देश छोड़ चुके हैं, और इसके साथ ही जो भी उनके गुर्गे हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। बहरहाल अगर उनके तरफ से धमकी आती है तो इस पर भी जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसके बारे में बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि अर्जुन कपूर ने बयान क्या दिया था। अर्जुन कपूर ने कहा था कि मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में चुप रहकर, यानी कि जो ट्रेंड चलाया जा रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड, इसके बारे में चुप रहकर हमने गलती कर दी है। ये हमारी शालीनता थी, लेकिन लोग इसका फायदा उठाने लगे हैं। मुझे ये लगता है कि हमने ये सोचकर गलती कर दी कि हमारा काम खुद बोलेगा। आप जानते हैं कि आपको हमेशा अपना हाथ गंदा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यही जो लाइन उनके तरफ से बोली गई है, यही उनके लिए मुसीबत बन रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या काम वो करना चाहते हैं जो जिनमें उनका हाथ गंदा होगा। वो अपना हाथ गंदा किस बारे में करना चाहते हैं। इसके साथ ही आगे अर्जुन कपूर ये कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसे बहुत सहन कर लिया, अब लोगों ने इसे एक आदत बना लिया है। अर्जुन कपूर आगे भी ये कहते हैं कि हमें एक साथ आने और इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। अब इस पर लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं कि क्या करेंगे वो, क्या बड़ा करेंगे, क्या हमारी पोस्ट का बहिष्कार करेंगे या फिर हमें बिठा कर वो खुद लेकर जाएंगे फिल्में दिखाने। अब इस तरह के मजाक बन रहे हैं और अर्जुन कपूर का ये कहना है कि इस बारे में हमें कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या लिखते हैं, ये हैशटैग जो ट्रेंड करते हैं, ये वास्तविकता से बहुत दूर हैं। जब हम ऐसी फिल्में करते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करती हैं, तो उस समय लोग हमें हमारे सरनेम की वजह से नहीं बल्कि फिल्म की वजह से पसंद करते हैं। अर्जुन कपूर अपनी बात जो है वो जारी रखते हैं और इंटरव्यू में ये बताते हैं कि लगातार कीचड़ उछालते जाएंगे तो नई गाड़ी भी थोड़ी सी शाइन हो ही देगी ना। हमने तो काफ़ी कीचड़ झेल लिया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि हमने इसे लेकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि हमें लगता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों की धारणा बदल जाएगी। अब अर्जुन कपूर का तो ये बयान था जो ये बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम बोलेगा, लेकिन अगर एक्टिंग को लेकर देखें तो जनता लगातार अर्जुन कपूर को एक्टिंग को लेकर ट्रोल करती रही है कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती है। अब इसको लेकर भी लोग मजाक बना रहे हैं कि अर्जुन कपूर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उनका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी अर्जुन कपूर की फिल्में कोई नहीं देखता है। अब इसके साथ ही बहुत सारी बातें अर्जुन कपूर को लेकर सामने आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कीचड़ की जो बात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर उनके घर में अगर उनको लेकर देखा जाए तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, वो कहा भी नहीं जा सकता। अब इसी को लेकर जनता लगातार ट्रोल कर रही है उन्हें। एक यूजर ने अर्जुन कपूर को लेकर लिखा है कि अर्जुन कपूर तू भी फिल्म बनाकर देख, फिर तेरी फिल्म को कैसे बॉयकॉट करते हैं, इतिहास में किसी भी फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, वैसा तेरी फिल्म के साथ करेंगे। इसके बाद एक यूजर ने लिखा है कि अर्जुन कपूर ने पूरे बॉलीवुड को साथ आने का आह्वान किया है, अब ये सब हमारी पोस्ट बॉयकॉट करके हमें बर्बाद करेंगे।
वहीं एक और यूजर ये लिखते हैं कि अब ये हमें सिर पर रखकर फिल्म दिखाने ले जाएंगे। इसके बाद एक और यूजर लिखते हैं कि इरादा क्या है, कोई मारकर सिनेमा हॉल में जाने का फरमान देगा, सूली पर लटका देगा? ये तमाम सवाल ये यूजर खड़े करते हैं। इसके साथ ही यूजर का ये भी कहना है कि अर्जुन कपूर ये कहते हैं कि हमने चुप रहकर गलती की वरना चड्ढा फ्लॉप नहीं हुई। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि देख रहे हो विनोद, फिल्म नहीं चल पा रही है तो कैसे लोगों को धमकाया जा रहा है, अभी तो और भी कंगाल होना है। इसके साथ एक यूजर है कृतिका जो लिखती है कि भाई तुमको तो बॉयकॉट भी नहीं कर सकते क्योंकि तुमको तो कोई देखता भी नहीं है। इसके साथ ही समित ठक्कर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अर्जुन कपूर के चाचा अनिल कपूर अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा शकील के साथ बिजनेस पार्टनर हैं, तो अर्जुन कपूर की धमकी को सीरियस ले। बाय द वे उनके पापा बोनी कपूर की अगली मूवी अजय देवगन के साथ मैदान होगी। रेस्ट पब्लिक है, ये सब जानती है। ये ट्वीट आया है समित ठक्कर का। तो आपने देखा किस तरीके से जनता अर्जुन कपूर का भी बहिष्कार कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोल कर रही है, उन्हें जो सबक सिखाने की बात कही है उसको लेकर भी कई तरह के दावे, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीना कपूर ने कहा था कि मुझे इस जो ये ट्रेन चलाया जाते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तब बोला था जब उनकी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, और जैसे ही रिलीज होती है वैसे ही ये कहते हैं कि प्लीज बहिष्कार मत करिए, बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है। और अब तो खुलकर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो पहले तो ये इग्नोर करते हैं और उसके बाद जब इनकी फिल्में पिट जाती है तो एक बार फिर से अपील करने के बाद धमकी देने पर भी उतारू हो गए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दाऊद का जो नाम आया है क्या आपको लगता है कि ऐसा सच है, और जो तस्वीरें हैं क्या कुछ कहती हैं तस्वीरें, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा।